नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सभी आपके साथ। आज सुबह से ही बिहार के सियासी गलियारों में एक बात की चर्चा जोरों पर है। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से जब इस बात का फैसला लिया गया कि सोशल मीडिया पर आप आपत्तिजनक बातें या तथ्यहीन बातें नहीं लिख सकते और अगर ऐसा करते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो लगातार विपक्ष की ओर से इसको लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हिम्मत है तो आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि बिहार सरकार पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है, हिटलर पद चिन्हों पर चल रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस तरीके से तमाम लोगों को अपने भाव की अभिव्यक्ति करने से रोकना कहीं से भी सही नहीं है। अब इसी को लेकर हम के मुखिया जतन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि क्या विपक्ष इस बात से डर रही है कि उन्हें बोलने से रोक दिया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष अब इस कोशिश में जुटी हुई है कि सोशल मीडिया के जरिए गलत इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाया जाए, उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काया जाए, और साथ ही साथ जब इस पर रोक लगा दी गई है तो अब वो बौखला उठे हैं। इसके अलावा जतन राम मांझी ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले देखिए। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया के जरिए कई दंगाई तत्व संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करने पर तुले हैं, जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। ऐसे तत्वों पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को इतना खौफ क्यों सता रहा है? ऐसा तो नहीं कि वही लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके दंगा फैला रहे हैं? तो हम के मुखिया जतन राम मांझी ने सवाल तो उठाया ही है और साथ ही साथ इशारों ही इशारों में उन पर प्रहार भी किया है और ये कह दिया है कि ऐसा तो नहीं कि आप ही सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट लिखकर बिहार की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और यहाँ तक कि गलत तरीके से उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये कहना है हम के मुखिया जतन राम मांझी का। आपको बता दें कि जब से बिहार सरकार का ये फैसला आया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के तथ्यहीन आपत्तिजनक बात खास करके नेता मंत्री विधायक इन लोगों को नहीं करनी है, तो इसको लेकर विपक्ष लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव तरह तरह के पोस्ट करके अपने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल तो कर ही रहे हैं और उन्हें ये भी कह रहे हैं कि आप तो थक चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, बिहार आपसे संभलता नहीं, कम से कम आप तो शर्म कीजिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष तमाम नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं और कहीं ना कहीं अब इस पर जब ये विचार विमर्श मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया कि अब इन सभी चीजों पर रोक लगानी है, तो विपक्ष पूरी तरीके से बौखला उठा है और इसी को लेकर जतन राम मांझी ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, जब इस पर सरकार कार्रवाई कर रही है कुछ दबंग तत्वों के खिलाफ तो आपको इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।